नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इंफोशिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल के बारे में कि फैक्टोरियल होता क्या है, कहीं पे फैक्टोरियल का जो है सिंबल क्या है और इसको जो है कैसे हल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले हम प्रोबेबिलिटी के जो है चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक क्वाइन, दो क्वाइन, तीन क्वाइन, डाइस जो है एक और दो, और इसके बाद प्लेइंग कार्ड से जो एक पत्ते जो है निकाले जाते हैं, उस उन क्वेश्चन पे मैंने जो है डिस्कस किया और उससे कॉन्सेप्ट पे जो है डिस्कशन किया। लेकिन उससे आगे की जो प्रोबेबिलिटी है उसको जो है बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हम नहीं हल कर सकते हैं। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले भी हमको जो है क्या पढ़ना पड़ेगा, फैक्टोरियल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फैक्टोरियल को जो है देखते हैं कि क्या है फैक्टोरियल। आप इससे जो है बिल्कुल मत सिंबल देख के जो है डरिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। आप इसके एक एक कॉन्सेप्ट को जो है सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। आइए इसको जो है देखा जाए कि अगर इस तरीके का सिंबल जो है दिया जाए, ये सिंबल बना दिया गया, यही सिंबल आपका जो है फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अंग्रेजी में फैक्टोरियल, हिंदी में भी जो है फैक्टोरियल ही जानिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब इसका जो है क्या मतलब होता है इसको जो है लिखने से, जैसे मान लीजिए अगर तीन फैक्टोरियल जो है लिख दिया गया ऐसे, ये थ्री फैक्टोरियल है, ठीक है। अब थ्री फैक्टोरियल का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये तीन फैक्टोरियल जो लिखा गया इसका मतलब तीन गुणे दो गुणे एक, क्या करना है उस नंबर से मल्टीप्लीकेशन जो है करते जाइए, कहां तक, एक तक, एक पे ही जो है आपको जो है समाप्त कर देना है। अब इसका मान जो है कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा थ्री टू जो सिक्स, सिक्स वन जो सिक्स, इसका मतलब लिखा गया फैक्टोरियल तीन, तो वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई सिक्स, ये निकालना आप समझिए। तो आज के सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल जो है किस पे अप्लाई होता है, कौन से नंबर हैं जिन पे जो है फैक्टोरियल अप्लीकेबल होगा। दोस्तों, नंबर सिस्टम में आप एक पढ़े होंगे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कौन सा, डब्लू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से लेके जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे कहां तक, अनंत तक, ये नंबर जो है पूर्ण नंबर होल नंबर है, इन्हीं पे जो है फैक्टोरियल अप्लाई होता है। बाकी और जान जाइए, कभी अगर जो है निगेटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर का मतलब जैसे माइनस तीन है, अगर माइनस तीन पे आप फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे तो ये जो है मान्य नहीं होता है। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि निगेटिव नंबर पे फैक्टोरियल अप्लीकेबल नहीं होता है। और दूसरा जो है क्या है, अगर जो है नंबर बटे में हो, जैसे एक बटे तीन, ऐसे जो है एक बटे तीन का जो है पूरा फैक्टोरियल इस तरीके से कर दिया जाए तो यह भी जो है अप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप इसको जो है एकदम क्लियर जो है कॉन्सेप्ट बनाइए कि सिर्फ होल नंबर, होल नंबर का मतलब जीरो से अनंत तक के नंबर पे फैक्टोरियल अप्लीकेबल होता है, ऋणात्मक संख्याओं पे फैक्टोरियल अप्लाई नहीं होगा। फ्रैक्शन अर्थात भिन्न पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कि फैक्टोरियल के जो है कौन कौन से मान जो है, वैल्यू जो है,
आपको पंक्चुएशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने में हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए 10th तक फैक्टोरियल हल कीजिए, हम हल भी कर दे रहे हैं यहां पे। आप ये कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस करके कि ये आपको जो है बहुत बेहतर तरीके से फैक्टोरियल लिखा जाए, तो आपको जो है डिजिट वो पता हो जाना चाहिए किसका मान क्या है। क्योंकि दोस्तों एएसओ एग्जाम हो, सीडीएस एग्जाम हो, 11वीं क्लास हो, 12वीं क्लास हो, इससे हायर क्लास में ये फैक्टोरियल जो है इंपॉर्टेंट है कि फैक्टोरियल आपको जो है जानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं जीरो फैक्टोरियल का मान क्या होता है। जीरो फैक्टोरियल का मान होता है एक, इसको आप याद कर जाइए कि जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, वन होता है। इसकी व्याख्या हम बाद में देखेंगे कि कैसे जो है इसका मान वन होता है। अब इसके बाद अगर यहां पे वन फैक्टोरियल लिखा जाए तो वन फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, इसको जो है कहां तक लेके जाएंगे, वन ही तक होगा। तो सीधे सीधे जीरो फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल दोनों के वैल्यूज क्या हो गए, दोनों के वैल्यूज वन आए। अब इसके बाद अगर ये टू फैक्टोरियल लिखा जाए इसका मतलब टू इंटू क्या होगा, वन होगा। और ये कितना आएगा, ये आएगा टू। इसके बाद क्या होगा, थ्री फैक्टोरियल। आप बताइए यहां पे थ्री इंटू टू इंटू वन कितना बनेगा, सिक्स। इससे पहले ही हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं कि किस तरीके से लिखा जाएगा। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए ये फोर फैक्टोरियल लिखा गया तो फोर फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो कितना आएगा, ये 24 आएगा। ऐसे सेम तरीके से फाइव फैक्टोरियल अगर लिखा जाए कितना बनेगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 120। ऐसे अगर सिक्स फैक्टोरियल लिखा जाए तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कितना बनेगा, 720। फैक्टोरियल सेवन निकाला जाए तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कितना ये बनेगा, ये बन जाएगा 5040। सेम तरीके से फैक्टोरियल एट, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये आप कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4320। फैक्टोरियल नाइन, नाइन नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये कितना बन जाएगा, थर्टी सिक्स टू एट एट जीरो। अब इसके बाद फैक्टोरियल टेन, फैक्टोरियल टेन, टेन इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कितना बन जाएगा, थर्टी सिक्स टू डबल एट डबल जीरो। तो आपने यहां पे फैक्टोरियल टेन तक की वैल्यू जो है मैंने यहां पे लिखा हुआ है। आप ये कोशिश कीजिए कि फैक्टोरियल टेन तक जो है वैल्यू आपको जो है पता होना चाहिए। तो यहां से आपने एक तरीका जो है सीखा किसको जो है लिखने का, फैक्टोरियल की जो है वैल्यू लिखने का। अब फैक्टोरियल इलेवन, फैक्टोरियल जो है ट्वेल्व लिखा जाएगा, उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप जो है इसको जो है खुद ही जो है करके देख सकते हैं। दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको जो है लाइक और
कमेंट जो है जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पे क्लिक करके कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए अब इससे आगे जो है देखते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी तरीके से सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए n फैक्टोरियल लिखा जाए, इसका मतलब क्या होगा, n गुणे क्या हो जाएगा n माइनस वन, इसका मतलब एक कम, उससे फिर एक कम n माइनस टू, n माइनस थ्री, लास्ट में कितना होता जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। इस तरीके से अब इसको जो है ये जानते रहिए फैक्टोरियल n बराबर कितना हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, मतलब क्रम से घटाते जाएंगे और लास्ट में जो है क्या निकल के आएगा थ्री इंटू टू इंटू वन। जैसे मान लीजिए अभी आपने यहां पे जैसे थ्री फैक्टोरियल पढ़ा, थ्री फैक्टोरियल का मतलब थ्री थ्री इंटू क्या हो जाएगा थ्री माइनस वन, इसके बाद थ्री माइनस टू, तो इसका मतलब यही तो हुआ थ्री इंटू टू इंटू वन। सेम तरीके से ये अब इसके बाद हम सीखते हैं कि जब आप फैक्टोरियल की मीनिंग समझ गए हैं, ठीक है, अब फैक्टोरियल की मीनिंग समझने के बाद नंबर के सामने देखिए, ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ किताबों में ऐसे भी लिख देता है तीन के आगे ऐसे एक हाफ जो है कोण टाइप जो है सिंबल दे देता है, अगर ये लिखा गया है तो इसका मतलब भी यही चीज होता है, कौन सा ये मान, मतलब इसका भी मीनिंग यही होगा थ्री इंटू टू इंटू वन। अगर इस तरीके से सिंबल लिखा गया है तब भी आप ये जानिए कि फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन होगा। आइए अब इतना जो है सीख लेने के बाद और क्या चीज जो है इसमें हम देखते हैं, फैक्टोरियल का जो है कॉन्सेप्ट आज आपको जो है बेहतर तरीके से पता हो जाना चाहिए कि फैक्टोरियल में क्या चीज है। जैसे मान लीजिए अभी आपने जो है सेवन फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है, सेवन फैक्टोरियल को आप कैसे लिखे हैं, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इतना आपने लिखा। अच्छा ये बताइए अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये बताइए ये सिक्स फैक्टोरियल है कि नहीं है, इसका मतलब सेवन फैक्टोरियल को सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, और क्या लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि जहां आप इसको जो है रोकना चाहते हैं वहां पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको रोक सकते हैं, ठीक है। ये है सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, आपने यहां पे ब्रेक कर दिया, जिस आवश्यकता के अनुसार आपको जो है इसको एक्सप्लेन करना होगा उसके अनुसार। इसलिए कई बार एक फार्मूला यहां भी बनता है कि अगर एन फैक्टोरियल है तो इसको एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख दिया जाता है। कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए, आपको जो है फार्मूले की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। आप इसके बाद और चीजें देख लेते हैं कि कभी जो है गलती से आप अगर मान लीजिए फैक्टोरियल जो है दिया गया है यहां पे, जैसे मान लीजिए लिखा गया थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ठीक है, आप कभी गलती से ये मत कर दीजिएगा थ्री टू जा सिक्स, अगर ऐसा लिख दिए तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कभी भी थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल कभी डायरेक्ट ऐसे गुणा नहीं होगा, जब भी आपको करना है थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल अगर कह रहा है तो इसका मान सिक्स आएगा, इसका मान टू आएगा, इससे पहले ही हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ये कितना आएगा, ये आएगा ट्वेल्व, ठीक है, इतना मान आएगा। कभी डायरेक्ट जो है गुणा मत कर दीजिएगा फैक्टोरियल में, अगर ऐसा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आइए जैसे डिवीजन में है, ठीक है, तो डिवीजन में मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया कि फैक्टोरियल फाइव अपान फैक्टोरियल फोर, ये लिख दिया गया,
ठीक, या फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 है। कभी यहां भी गलती से मत कर लीजिएगा 3 × 6, मतलब ये रिजल्ट अगर आप लिख देंगे 2 फैक्टोरियल तो ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे नहीं हल होगा। अब देखिए इस तरीके का जो है प्रश्नों को जो है कौन सा मेथड आप लगा के जो है हल करेंगे, ध्यान रखिए। जब आपको पता है फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, तो आप यहां पे ये पूरा कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू कितना आ गई, 5 आ गई। तो आप इसी चीज को क्या कर सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल दिया गया है, हमने आपसे कहा है कि आप चाहे जहां पे रोकना चाहे रोक सकते हैं, तो आवश्यकता अनुसार क्या आएगा 5 × जब 4 पे आए 4 फैक्टोरियल पे मैंने इसको रोक दिया और ये कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, अब कितना आ गया, अब ये आ गया 5। जब आप नीचे की वैल्यू जो देखिए वहां पे इसको जो है रोक सकते हैं, जैसे ये है, अगर इसको जो है पूरा ओपन करके ना हल करना हो तो कैसे करेंगे 6 × 5 × 4, आ इसको कहां रोकेंगे 3 फैक्टोरियल पे, क्यों 3 फैक्टोरियल पे रोकेंगे, क्योंकि बटे में जो है यहां पे क्या है 3 फैक्टोरियल है, तो अब ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल यहां और ये इससे कैंसिल हो गया और ये कितना आएगा 6 × 35 = 3 × 4 = 120, इसका मान लिया है। तो आप आवश्यकता अनुसार जहां पे फैक्टोरियल को जो है रोकना हो वहां पे आप रोक करके इसको जो है हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने जो है फैक्टोरियल को जो है समझाने की कोशिश की है, अगले लेक्चर में हम परमुटेशन की जो है शुरुआत करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप इस लेक्चर के द्वारा पहले फैक्टोरियल को जो है हल करना सीखिए, और अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट ना समझ पाए तो आप जो है कमेंट में जरूर लिखिए। धीरे धीरे हम लाइव भी आना जो है चालू किए हैं, ठीक है, वहां पर जो है आप अपनी समस्याओं को जो है डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा से आपसे मिलते हैं परमुटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।